देखिए साथियों, आपके सामने ये एम्पलीफायर नज़र आ रहा है जो कि एक मेगा कंपनी का एम्पलीफायर है, जो कि यहाँ पर 50 वाट का एम्पलीफायर है। तो देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, साउंड यहाँ पर आ रही है। मैं आपको यहाँ पर साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको साउंड सुनाई दे रही होगी। तो फिलहाल मैं इस माइक की मदद से मैं आपको यहाँ पर बोल कर बता रहा हूँ। तो इसमें साउंड आ रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इस एम्पलीफायर में कभी साउंड आती है और कभी अपने आप चली जाती है, और इसे एम्पलीफायर को ठोक बजा देते हैं तो फिर भी साउंड यहाँ पर आने लगती है। तो ये प्रॉब्लम इस एम्पलीफायर में थी। तो देखिए, साथ ही साथ इस एम्पलीफायर को रिपेयर भी करेंगे, और इस एम्पलीफायर में जितनी भी कमियाँ हैं उन्हें भी हम ढूंढ कर रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये LED वगैरह लगे हुए हैं, एक LED यहाँ पर ग्लो कर रहा है एक, और ये बाकी दो LED यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहे। तो इस LED को हम भी यहाँ पर चेंज करेंगे या फिर नया वगैरह LED लगा कर इन्हें ठीक करेंगे। और देखिए, इसका जो ब्लूटूथ पैनल है वो भी यहाँ पर इसका ऑन नहीं हो रहा। तो हम इसे भी यहाँ पर देख लेंगे कि क्यों ये ऑन नहीं हो रहा, आखिर क्या प्रॉब्लम आई जिसके कारण ये ब्लूटूथ पैनल हमारे यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा। अदरवाइज यदि ख़राब होगा तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यानी न्यू ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ पर डाल देंगे। तो इस एम्पलीफायर का एक बार आप बैक पैनल भी देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बैक पैनल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर दो दो चार पाँच ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाते हैं। फ्यूज देखने को मिल जाता है, DC वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए देखने को मिल जाता है, कॉमन 4 ओम 8 ओम और 16 ओम देखने को मिल जाता है। ये CD वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं इस एम्पलीफायर को खोल कर आपके सामने रखता हूँ। देखिए, तो आप यहाँ पर इस एम्पलीफायर को देख सकते हैं कि इस एम्पलीफायर की क्या हालत है। तो देखिए, ये एक्चुअली इस एम्पलीफायर को मैंने ही बनाया था, यानी इसमें जो भी ट्रांसफार्मर लगी होती है इन सभी ट्रांसफार्मर को यहाँ पर चेंज किया गया है। देखिए, मैन पावर ट्रांसफार्मर है, इसे भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया। ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसे भी चेंज किया गया। और यहाँ पर ये आउटपुट ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसे भी यहाँ पर चेंज किया गया है, जो कि मैंने ही खुद बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, यानी टोटल 3 ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, इन्हें चेंज कर दिया गया। तो ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, करीब हमें 100 वाट की आउटपुट आराम से दे देता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। केवल प्रॉब्लम इसमें ये है कि कभी कभी ये साउंड छोड़ता है। तो कहीं पर इसकी ड्राई सोल्डिंग होगी या फिर यानी जो सोल्डिंग होती है वहीं कहीं पर ये खराब हो गई होगी, तो जिसके कारण से ये हमारी यहाँ पर साउंड छोड़ती है। तो खैर, हम देखते हैं कि किस कारण से यहाँ पर ही एक एक वायर को अच्छे से चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर से वायर निकला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस ट्रांजिस्टर से यहाँ पर वायर निकला हुआ है, और यहाँ पर ये जो फ्यूज रेजिस्टेशन होती है, यानी फ्यूजेबल रेजिस्टेशन, ये हमारी यहाँ पर लगी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ पर निकला हुआ है, इसी कारण से ये हमारी यहाँ पर कभी कभी साउंड छोड़ देती है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर वायर निकला हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर। तो इसे लगा देंगे तो यहाँ पर हमारी साउंड आने लगी। तो देखिए, इस एम्पलीफायर में यहाँ पर क्या क्या चेंज करने वाला हूँ। तो देखिए, ब्लूटूथ मॉड्यूल में यहाँ पर पावर नहीं आ रहा था, तो इसका कारण मैंने पता कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर इसका ये वायर यहाँ पर टूटा हुआ था, आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ पर टूटा हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर बोल्ट यानी इस ब्लूटूथ में पावर नहीं आ रही थी। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये टूटा हुआ वायर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके LED यहाँ पर लगी हुई है, पावर LED और ये इंडिकेटर मॉनिटर वगैरह, ये भी हम यहाँ पर चेंज करने वाले। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, जो कि यहाँ पर एक नोकल कंपनी का ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसे हम बेल का कंपनी का लगाने वाले, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर बेल के लगे हुए हैं, बेल ही का हम यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी लगाने वाले। और देखिए, इस कैपेसिटर का भी वायर यहाँ पर टूटा हुआ था, तो इस कैपेसिटर के वायर को भी हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। और इस कैपेसिटर वगैरह और सब कुछ देख लेंगे बारीकी से। तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक।